धमकाते थे, अब इलेक्शन का टाइम उसका कोई भैया जी नेता नहीं है, हमारे आदर स्वामी विवेकानंद है, किसी का पिछलकू नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी का। लोगों ने पहले की कुछ किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन इस बार हम लोग सामने आएंगे तो हम लोग काम करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चाहे हमको दिल्ली के संसद तक पहुँचना पड़े। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है, प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कई छात्र संगठनों के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को अपनी ओर लुभाने के लिए और अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर लगातार छात्र संगठनों के द्वारा रैली और जुलूस के साथ ही कैंपेनिंग भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो विद्यार्थी परिषद का दावा है कि 2012 में जब 27 साल के बाद पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ था, तो उस समय भी इन चुनाव छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष जो हुए थे वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हुए थे। जबकि जदयू के द्वारा जो कैंपेनिंग की जा रही है, जदयू के नेताओं का कहना है कि हमारी पकड़ पूरी विश्वविद्यालय में जोरदार है और पूरी सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। चूँकि नीतीश कुमार जो है छात्र और छात्राओं को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और छात्र छात्राओं के प्रति काफ़ी कार्य किया है, इसलिए इस बार उनकी जीत सभी सीटों पर सुनिश्चित है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरह से 3 वर्षों के बाद पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में किन पार्टियों की होगी जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेगी, ठीक है ना? किस तरह का उत्साह है छात्र संघ चुनाव को लेकर? सबसे पहली बात तो पहली बार नहीं, हम इससे पहले भी छात्र संघ चुनाव में भाग ले चुके हैं और हम वहाँ से कॉलेज काउंसिलर, जब हम पटना मेंस कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो वहाँ से हम कॉलेज काउंसिलर रह चुके हैं, तो हमको थोड़ा बहुत अनुमान है कि कैसे क्या होता है। और अगर उत्साह की बात की जाए तो इस बार हमारे जो भी लोग हैं उनके में बहुत अच्छा उत्साह है और लोग बहुत ज़ोर शोर से भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले जो भी कुछ साल से इलेक्शन क्योंकि नहीं हुआ है तो लोगों को पता है कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कमी है जिसको सुधारने का ज़रूरत है। तो उन सब रीज़न की वजह से लोग अभी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम अपने पार्टी का बात करें कि इस पार्टी में क्यों लोग ले रहे हैं, तो स्पेशली गर्ल्स का बात करें तो हमको नहीं लगता कि हमको ये चीज़ को बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि क्यों ले रहे हैं। हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने छात्रों के लिए बहुत सारा काम किया है। हम अभी बेसिकली मगध महिला कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे एक नया हॉस्टल बनाया गया है जिसका नाम है महिमा छात्रावास, और वो हॉस्टल में ऑलमोस्ट सारा फैसिलिटी है जो एक स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाई करने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो और वैसा बहुत सारा काम है जो हमारे नेता ने किया है और आगे भी करेंगे, और हमको उम्मीद है कि अगर हम लोग को मौका मिला तो हर चीज़ की स्थिति बेहतर होगी। हमने कई छात्राओं से बात किया है, कई छात्राओं का कहना है कि पटना विश्वविद्यालय में जो है छात्राएँ जो है असुरक्षित महसूस करती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर बहुत सारा चीज़ बनाया गया है जिससे कि लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, और सबसे पहली बात कि पिछले 17 साल में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता के लोग हैं, उन्होंने कितना सारा काम किया है। कि अगर सबसे एक बड़ा एग्जांपल, अगर हम अभी आपसे बात कर पा रहे, आपके सवालों का जवाब दे पा रहे, क्यों हम असुरक्षित हैं? नहीं, हम तो नहीं। और वैसे तमाम सारी छात्राएँ जो असुरक्षित नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि अगर अभी इलेक्शन का टाइम है, उसके पहले सब लोग दबंगड़ी करते थे, वो धमकाते थे, अभी इलेक्शन का टाइम तो सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं लड़कियों से स्पेशली कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा गलत चीज़ों को चुन लेते हैं, तो हमको लगता है सही चुनिए। ऐसे मेरा नाम संध्या हुआ और हम मगध महिला से हैं। धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव 3 वर्षों के बाद हो रहा है, किस तरह का उत्साह है और क्या आप लोग रैली के माध्यम से अभी क्या करना चाह रहे हैं? आप तो देख सकते हैं विद्यार्थी परिषद छात्र संघ का चुनाव का जिस प्रकार से स्वागत किया है, 3 वर्षों से बंद था, तो क्या उत्साह है आपके सामने है सारा दृश्य। और विद्यार्थी परिषद छात्र हित की कैंपस में हमेशा बात करती है, किसी का पिछलकू नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी का, और हमारा जो भी एजेंडा है छात्र हित का एजेंडा उसको लेकर विद्यार्थी परिषद कैंपस में है और जोर तोर से सभी पैनलों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कि पिछले 3 वर्षों के बाद चुनाव हो रही है, जबकि 27 साल के बाद जब चुनाव हुई थी उस समय भी ABP का ही कब्जा था, ऐसे में फिर 12 वर्ष के बाद ABP का कब्जा होना लाजमी बात है, क्योंकि ABBP छात्र हित के लिए छात्रों का ही संगठन है, उसका कोई भैया जी नेता नहीं है, हमारे आदर स्वामी विवेकानंद है, तो इसीलिए विद्यार्थी परिषद का कब्जा हमेशा रहेगा, जब तक छात्रों का प्यार है वो बना रहेगा। धन्यवाद। मैं प्रतिभा मिश्रा, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए अपना दावेदारी कर रही हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए ही वो करना चाहती हूँ। आप चुनाव लड़ रही हैं, छात्र संघ चुनाव है पटना विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी चुनौती। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में आपका एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहला एजेंडा लड़कियों के लिए सेफ्टी है,
जो कि इस कैंपस में बहुत प्रॉब्लम होता है लड़कियों की। दूसरी चीज़ है कि सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल कोर्स का फीस दिन पे दिन बढ़ाया जाता है, और मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी में एक टीम बनाई जाए और हम लोग उस जैसे कि स्कूल में कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव स्कूल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं, वैसे कॉलेज में भी एक कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव और एक पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बना के और हम लोग ये वोकेशनल और कोर्स के फी को कम करें। जो भी मुद्दा उठाया उन लोगों ने पहले की कुछ किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन इस बार हम लोग सामने आएंगे तो हम लोग काम करेंगे छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए। एक बात बहुत सब लोगों से सुनने को मिल रही है कि विश्वविद्यालय में जो है महिलाएं और छात्राएं जो है असुरक्षित महसूस करती हैं। जी, यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी में, बट अभी हम लोग सबको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं और हर लड़की और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लड़कियाँ सशक्त हो रही हैं और लड़कियाँ खुद भी आगे आ रही हैं। क्या लगता है कि आपकी जीत क्या जीत को लेकर के क्या कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव में? जी बिल्कुल, हम लोग इस बार हम विद्यार्थी परिषद के पांचों पैनल पे अपना जीत हासिल करेंगे। अरे नहीं कर लेकर के जदयू की क्या तैयारी है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा रही है? जदयू की तैयारी पूरी मजबूती से है और कैंपस में सिर्फ एक ही आवाज़ छात्र जदयू की निकल रही है, लोगों की आवाज़ बन रही है, क्योंकि हम वो दो लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा को रखते हैं, सबको लेके चलते हैं और इस देश में मजबूती के साथ लोगों के समन्वय बनाने का काम करते हैं और देश को नई दिशा दिखाते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए हाथ जोड़ के विनती किया था प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आप यहाँ आए थे शताब्दी वर्ष में 2017 में, तो आपसे विनती किया गया था, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा मुद्दा है और यही चुनाव है, और चुनाव का मकसद भी लड़ने का और जीतने का यही है कि जैसे ही हम लोग लड़ेंगे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, चाहे हमको दिल्ली के संसद तक पहुँचना पड़े, अगर छात्र इस बार मौका देते हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हमको जीतने का, तो हम दिल्ली के संसद तक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को हम दोहराएंगे और लेंगे। क्योंकि देख लीजिए, प्राचीन विश्वविद्यालय है, सातवां पुराना विश्वविद्यालय हमारा पटना विश्वविद्यालय रहा है, उसके बाद बहुत सारे विश्वविद्यालय आपने खोले, बहुत सारे विश्वविद्यालय को खोलते ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, इसका इतिहास है ना, कितने IAS कितने IPS बिहार के धरोहर नेता विभूतियाँ इस यूनिवर्सिटी ने दिया, और मैं बोल रहा हूँ 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये हमारा, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था ये पटना कॉलेज ईस्ट का, तो इतने बढ़िया विश्वविद्यालय को आपने कहा सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी कहा, उसके तहत देंगे, कहाँ दिया? ये झूठा वायदा, छात्रों को ठगे हैं, और नरेंद्र मोदी जी तो झूठे लोग बोलते थे, लेकिन छात्रों को बताना सिर्फ है कि नरेंद्र मोदी लोग कितने लोग झूठे हैं। यही हमारा मुद्दा है, क्योंकि उनके जो नेता हैं बिहार में और उनके जो छुटभैया अभी दिख रहे होंगे भगवा भगवा करके, तो खुला चैलेंज है, अपने नेता से पहले बयान दिलवा लीजिए क्या क्या छात्रों से किया गया वायदा पूरा होगा, तब आइएगा चुनाव लड़ने। और सीधी लड़ाई कुछ नहीं है, हम जीत रहे हैं और हम सिर्फ एक मुद्दे पे जीतेंगे, पूरा पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाएगा, चूंकि उसको अपना हक मिलना चाहिए। नीतीश जी लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और उन्होंने सदन में भी बोला, भाजपा के सामने बोला कि अरे भाई बोलिए कम से कम अपने नेता को, अपने आका को, कि कम से कम सुन ले, और नहीं देंगे तो विश्वविद्यालय के छात्र वोट कैसे दे देंगे? उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर किए हैं, अगर केंद्र का थोड़ा सहायता मिलता और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल जाता तो आज पटना यूनिवर्सिटी बिहार की एक शान बनती, जो भाजपा नहीं चाहती है। और वैसे लोगों को इस बार के छात्र, चूँकि उनके ही तो सो कॉल छोट भैये दुदमुहे बच्चे आएंगे यहाँ, देश संघ राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर कम्युनलिज्म की ओर छात्रों को ढकेलेंगे और उसको बरगलाएंगे, लेकिन ये पटना यूनिवर्सिटी है, 5 सीटों पे लड़ेंगे और टोटल काउंसलर पोस्ट पे भी लड़ेंगे। पहली बार कोई ऐसी पार्टी बन रही है इस कैंपस में, 2012 से जो चुनाव हो रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, टोटल काउंसलर पोस्ट पे हमारे यहाँ इतने कैंडिडेट्स हैं कि हमारे यहाँ कैंडिडेट्स को आपस में मंथन करना पड़ रहा है। टोटल काउंसलर लड़ेंगे और टोटल सेंट्रल पैनल लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ जीतेंगे। और इस बार लड़ाई ही नहीं है, हम लोग तो मैदान में उतरने से पहले सोच रहे थे लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई नहीं है, आप देख सकते हैं, बाहर से ला करके भीड़ जुटाना नहीं, हम लोग सारे बच्चे जेन्युइन हैं और सब अपने मन से कर रहे हैं, और बहुत जल्द कैंडिडेट्स का भी ऐलान हो जाएगा, और बहुत मजबूती के साथ जिस दिन कैंडिडेट ऐलान होगा उसी दिन 50% लोग ये मान लेंगे कि हम चुनाव जीत गए हैं, बस एक बार प्रचार कर देना होगा। क्या नाम बताया था? बसंत कुमार यादव। बसंत जी, छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, ये 3 वर्षों के बाद हो रहे हैं, ऐसे में आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पर नहीं आ रहा है, क्लियर अभी नहीं हुआ टिकट। अच्छा,
चुनाव लड़ रहे हैं ना, सेंट्रल पैनल पे आप लड़ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल पैनल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका मुद्दा होगा? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में जब भी आप एंट्री कीजिएगा एंट्री, तो पता चल जाएगा कि कई मुद्दा आप लोगों को सामने तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है के पटना विश्वविद्यालय के अंदर हर एक कॉलेज में कैंटीन्स तो है, लेकिन कैंटीन्स के आगे ताले लगे हुए हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा वो कैंटीन में जो ताले लगा है वो 19 के बाद पहला अगला दिन जो होगा 20 को हम लोग कैंटीन का ताला खुलवा के उसमें सही तरीके से, क्योंकि जो छात्र हैं वो रोड पार करके उस पार जाएंगे खाने के लिए, कोई बाइक वाला कोई फोर व्हीलर वाला आता है और अगर उस पर जो है मतलब चढ़ा देता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पटना यूनिवर्सिटी लेगा क्या? क्या बीसी यहाँ का लेंगे? और सबसे बड़ा मुद्दा ये हम लोग का कि जब भी पटना यूनिवर्सिटी चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पे जो है बस का जो सुविधा है पटना विश्वविद्यालय हमारे भाई और बहनों के लिए पटना यूनिवर्सिटी लेकर 90 फीट तक ले बस की सुविधा करवाएंगे, और वो बस बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये सब लेकर हम लोग पटना यूनिवर्सिटी, और सबसे पटना विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मांग रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग। हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए शुरुआत से लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री पिछले बार आए थे तो हमने उनसे ये वो बोल के गए थे कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, और वही जेपी नड्डा जी जब पटना कॉलेज आए थे तो हम उनका विरोध किए थे और उनसे ये चीज़ पूछे थे कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दे रहे हैं। तो वो क्या किया कि प्रशासन के द्वारा हमें पूरी तरह से पीट के जेल भेज दिया गया। ये चीज़ें हैं, तो आप हम मांग रख रहे हैं, अगर मांग नहीं पूरी तरह चुनाव जिससे जीतेंगे तो हम पूरा करेंगे। रविकरण नाम हुआ। 27 साल के बाद पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ था 2012 में, उस समय भी विद्यार्थी परिषद का ही कब्जा रहा था। ऐसे में एक बार फिर से 10 साल के बाद फिर एक बार विद्यार्थी परिषद बड़ी संख्या में लोगों को लेकर उभर रही है, तो क्या लग रहा है क्या एजेंडा होगा? देखिए, 2012 में जो जीत हुई थी उसके बाद उसको ज़्यादा पावर नहीं दिया गया था, तुरंत छात्र संघ को भंग कर दिया गया था। लेकिन हम लोग जब उसके बाद छात्र संघ में जीत के आए और भी पैनल पर, तो हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जो जितने छात्र संघ के पदाधिकारी यहाँ जीते, उन्होंने विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम किया, सिर्फ राजनीति करने का काम किया है, ठीक है। वो अपने अपने पार्टी का एजेंडा चलाते हैं विश्वविद्यालय में। छात्रों की मांग है, जो हमारा इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग विशुद्ध रूप से छात्रों के बीच में ही रह के काम करते हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता। लेकिन और जो छात्र संघ जीत के आते हैं उनका एक पार्टी का मुद्दा होता है, वो पार्टी के मुद्दा को यहाँ भंजाते हैं, ठीक है ना। हम लोग इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं। ऐसे में आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा छात्रों के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, छात्रों की सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ स्मार्ट क्लासेस है, रिसर्च सेंटर है, हमारा खुद का स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने दम पे इस यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ताकि हमको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत ना पड़े, यही हमारी मांग है। रविकरण, क्या उपलब्धि होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। आइए दिए जलाएं, इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।